We welcome you all to the Great Awakening podcast series. And in today's episode, we are diving into the fascinating topics of ascension, the shift, 5D, raising one's frequency, and many more, explained in simple, easy to understand language. This question answer session is specially for the spiritual seekers and beginners who have just started their spiritual journey. So even you are new to these ideas, this session is for beginners who are curious about what it means to shift into higher awareness and what people mean by moving into the 5D or fifth dimension, and what exactly does it mean to raise one's frequency. I now invite our founder of the Great Awakening Group, Praveen Bhatia ji, to answer these questions in a very simple way, answering some of the most common questions. Let us take this time to ask those very basic beginner's level questions and receive answers that are very easy to understand to make their journey smooth, as the time is now for a profound shift in consciousness. A shift towards greater awareness, compassion, and unity. So, Praveen ji, I would like to ask the first question of today, which is, what exactly is ascension? See, this people can use these terms in a different way, but for me, ascension is, should we do in English or Hindi? I Both, we think, can do it both, yeah, we can Hindi do the and mix English for both. the most other people. See, to understand ascension, if we understand that we are into a game, we are into a simulation, and then, but people are enjoying the simulation. They are not aware that they are into a game, that we are into a simulation. If one realizes that this is a simulation, then he becomes awake. Then he realizes then these things are not interested anymore for this person. Whatever happens, it is into that simulation only. Then he wanted to go beyond this simulation, like हम लोग बचपन में गेम खेलते थे. गेम के डिफरेंट लेवल्स होते हैं. अल्टीमेटली सब लोग बोर हो जाते हैं. जब वो सारे गेम को मास्टरी कर लेते हैं तो उस गेम के बाद उसमें का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. फर्दर वो जानना चाहते हैं इसके बियॉन्ड क्या. सो द सेम वे इट इज द वेन वी आर स्लीपिंग दैट वेन वी आर इन टू दिस सिमुलेशन देन वी आर सो मच इन्वॉल्व दैट वी डोंट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ इट. जब हम बोर हो जाते हैं देन इट स्टार्ट द अवेकनिंग प्रोसेस. ये क्यों है, क्या कब तक चलेगा, एनी हाउ इट डजेंट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचा हमारा. जब ये लेवल आता है तब इसके बियॉन्ड एक स्टेज आती है जब हम इस गेम के नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं. दैट इज असेंशन. तो जब तक गेम खेल रहे होते हैं, हम लोग गेम खेलने में मजा आता रहता है, यस तब तक ये समझ ही नहीं है कि ये गेम है और हम क्यों खेल रहे हैं और क्यों कब तक इस गेम में फंसे हैं। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट. एंड सम अदर पीपल सपोज देयर लाइफ उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है. एनी हाउ मनी वाइज इशू हैं या हेल्थ वाइज इशू हैं और मे बी बैगर देन दे बिलीव कि वी आर फेड अप इन टू दिस गेम. ये सच नहीं है. दे आर इंजॉइंग दिस रोल. फॉर एग्जाम्पल इन फिल्म में डिफरेंट रोल होते हैं. वो इस समय गरीबी का रोल, हेल्थ अनहेल्दी होने का रोल, इस रोल को इंजॉय कर रहे हैं. सो ये भी नहीं काफ़ी है. फैट अप होना इसके बियॉन्ड की बात है. और यहाँ पे एक बड़ी फाइन लाइन है जिसको लोग नहीं समझ पाते. जिंदगी में दुख है इसकी वजह से आप ये जो छोड़ना चाहते हो ये काफी नहीं है. आपने खेल के बोर हो गए तब आप छोड़ना चाहते हो. दिस इज द रिक्वायरमेंट. तो खेल से बोर वही हो पाएंगे जो थोड़ा स्पिरिचुअली अवेयर हो गए, जिनमें थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई। तो एज आई अंडरस्टैंड, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि असेंशन इज अ पर्सनल जर्नी ऑफ ग्रोइंग स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड मेंटली। इट्स अबाउट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, फीलिंग मोर पीसफुल एंड फाइंडिंग मोर पर्पस इन लाइफ। इज दैट सो? या नेचुरली इट हैपेंस. जब तक आप अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल में, लोअर लेवल पे हैं, इस गेम के अंदर इन्वॉल्व हैं, देन यू आर पार्टिसिपेटिंग. टू पार्टिसिपेट इन टू दिस गेम देयर इज सेपरेशन. यू
एंड द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड फॉर सम द वर्ल्ड इज एनिमी, पूरा समाज मेरा दुश्मन है, मुझे सर्वाइव करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, साबित करके दिखाना है, देन दिस इज वन रोल. देन वेन यू रियलाइज दिस इज ए सिमुलेशन, देन यू हैव नो एक्सपेक्टेशंस, यू रियलाइज आपकी किसी से दुश्मनी नहीं होती, देन योर रियल वर्जन विच यू कैन कॉल इज द योर हायर सेल्फ, देन इट एमर्जेस. सो दिस इज द जर्नी. ओके, थैंक यू सो मच. सो डज असेंडिंग मीन लीविंग द वर्ल्ड बिहाइंड? क्या हम दुनिया छोड़ के पीछे और तब असेंड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसका उल्टा है. आप गेम जी. को मास्टरी के साथ जब आप खेलते हो, देन दैट इज असेंशन, दैट यू आर प्लेइंग, यू आर हैविंग टूल्स, एंड विद दिस टूल यू आर अवेयर ऑफ योर पावर, यू आर अवेयर ऑफ योर टूल, यू कैन नेवर बी ए विक्टिम, यू नो दिस सिमुलेशन हैज बीन क्रिएटेड बाई मी, देन ओनली देन दिस असेंशन, देन यू नीड नॉट टू लीव एनीथिंग. बट स्टिल आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी, पीपल शुड अंडरस्टैंड. See, the world is holographic projection. It is projecting from inside out. This is the simulation. You are into a set of rules where consciousness creates the reality, but you are not aware of it. आपको डर है, तो आपके जीवन में डर प्रकट हो रहा है, आपके जीवन में मिजरी है, मिजरी प्रकट हो रही है, एंड सो ऑन. इसके बियॉन्ड की जो कॉन्शियसनेस है, अगर आप असेंड करते हैं, what does it mean? You have a different consciousness, so the world is different for you. So in other way you can say ki ascension ke baad hame duniya purani chhoot jati hai aur nayi prakat ho jati hai. You can also say ji. Okay, so next question is ki what is the shift to 5D and what does 5D mean? Yeah, see, in mathematical terms we can also define the dimension 1D, 2D, 3D, 4D. So, for example, this is an image. Maybe let me find if I could find the image. So, for example, this image. One dimension is just a line, two dimension length and width, three dimension mein gehrai bhi hai. Fourth dimension is more complicated for us because we have no experience of it. And the fifth is much more complicated. Isko hum samajh nahi sakte. अपनी लिमिटेड कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस की लिमिटेशंस हैं, इसलिए इसको समझा नहीं जा सकता माइंड से. टू डायमेंशन वाला थर्ड को नहीं समझ सकता, थर्ड वाला फिफ्थ को नहीं समझ सकता. लॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल. बट व्हाट डज इट मीन? इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स यू रियलाइज दैट एवरीथिंग इज बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम यू, द वर्ल्ड इज यू. You are creating it. You are having a different set of rules. There is no other. So that is fifth dimension consciousness. First time humanity understand what the love is, the real love. Because of separation, you are playing into this game. अगर सेपरेशन नहीं होगा तो गेम कैसे खेलेंगे? दो ओपोनेंट नहीं होंगे तो गेम कैसे चलेगी? था धरती की गेम में duality है, इसलिए दो के पेयर हैं. इसके बियॉन्ड का जो है, दिस इज from separation to oneness, so that is the fifth dimension. And जी. Not only this, there is no control. वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है. So that there are so many things which हम अभी समझ नहीं सकते, लेकिन वो इसके beyond की चीज़ें हैं. तो 5D मेरी समझ से like it's about moving into a higher state of mind and heart, where people experience more love, kindness, and connection with others. Yes. And 5D, basically it means fifth dimension, which is not a physical state, but a way of being. Ehsaas hai ek tarah ka. 5D is a well-being and joy and ease and dignity. There is no fear, as you said. There is no control, no imposition or dominance. तो 5D में जैसे लोग जो है वो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जैसा आपने Not कहा. Only ज्यादा कनेक्टेड, they feel complete connection. Okay. Complete connection. They are completely connected with each other. Yes. कोई separation नहीं है. Like separation in 3D, and कोई they separation know नहीं. And they focus on love and compassion, worry less about fear and judgment. Yeah. जबकि 3D की हम अगर बात करते हैं तो third dimension जो होता है that is conditional, and 3D में there is nothing unconditional. If I'm right. Yes. Everything is conditional. Very few people could get to that stage where they could experience unconditional love. But very in few 3D. People. Yeah. In 3D. Okay. Also in 3D, some people could be a fearless.
but very, Okay. very few. Is it possible in third dimension also? But because it is a borderline, when you third dimension, you reach to the up to that highest level, you are close to the fifth dimension, then you could experience all these things on also on the earth. But Okay. it So happens ये very rarely, and there it is the normal state. ओके ये क्लियर करने के लिए बहुत थैंक्स, क्योंकि बिगिनर्स सोच सकते हैं ऐसा कि 3D में तो बिल्कुल अनकंडीशनल लव फील ही नहीं किया जा सकता, नहीं बट किया जा सकता इवन है, कई लोग किया जा करते सकता हैं, है। और ओके ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे सन्यासी जो जंगलों में वांडर करते हैं, उनको सी फियर जो है, अगर आपके अंदर ना हो तो आपकी रियलिटी प्रकट नहीं हो सकती, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो कोई शेर आपको खा नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन हमें सोचते हैं कि नहीं, उसको भूख लगेगी तो खा लेगा, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि जगत अंदर से प्रकट हो रहा है, यू आर राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ योर लाइफ। तो जो इस फियरलेस स्टेट में आ जाते हैं, वो जंगल के थ्रू निकलते हैं, और कभी ऐसी कोई घटना नहीं होती। ओके फाइन। सो कमिंग बैक टू 3D एंड 5D, जैसा हमने सुना आपसे कि 3D एक, जैसे 3D इज सेपरेशन, इट्स डुअलिटी, राइट एंड रॉन्ग, गुड बैड, शुड एंड शुडंट, देर इज नो अनकंडीशनल लव इन 3D। बिगिनर्स ऐसा सोच सकते हैं, बट आपने ये क्लियर किया कि नहीं, 3D में भी बहुत थोड़ी ये संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट कर सकता है 3D में। जी, सी दे मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, अगर ह्यूमन जी कॉन्शियसनेस 500 तक रेज कर पाए, देन दे कैन एक्सपीरियंस द लव। ओके इट इज इसके बाद भी जर्नी कंटिन्यू करती है 700 तक, लेकिन 500 तक अगर कॉन्शियसनेस पहुंच जाए तो वो इस लव का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल इन थर्ड डायमेंशन। 500 मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में 500 तक अगर पहुंच जाती है तो लव का एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि हाउ कैन आई रेज माई फ्रीक्वेंसी। जब भी अगर साधक शुरू करते हैं अपनी यात्रा, तो बड़ी इच्छा होती है कि सबको देखते हैं, अगर मान लीजिए कि अरे इनके पास तो बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब कैसे मेरी फ्रीक्वेंसी जल्दी से जल्दी इतनी ज्यादा हो जाए। तो क्या उपाय करें कि जो बिगिनर्स लेवल पे साधक जुड़े हैं इस यात्रा से, वो भी बहुत जल्दी छलांग लगा के एकदम से हाई फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाए, ऐसा कोई उपाय है? जी, बहुत एक तो अच्छी बात यह है कि धरती की कॉन्शियसनेस इस समय यूनिवर्स से सपोर्ट आ रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो इस समय लोगों को हेल्प कर रही है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले लोगों को समझने आना चाहिए। हम सब वाइब्रेट करते हैं, लिविंग बींग और इवन नॉन लिविंग बींग भी, मान लो क्रिस्टल है या कोई और भी चीज़ है, उसमें भी एक वाइब्रेशन है। हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनमें डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं, हमारी जो मेंटल स्टेट है उसकी डिफरेंट एक वाइब्रेशंस हैं, अगर वो एक्टिव है या डेल्टा स्टेट में है, उन सब की एक फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी हमारी कंडीशनिंग के कारण बहुत, बचपन से बच्चा पैदा होता है, उसको कुछ बोलना नहीं आता, वो सिर्फ देखता है, उसके 7 ईयर जो कंडीशनिंग हो जाती है वो बहुत डेंस बना देती है उसको। इस डेंसिटी के कारण फ्रीक्वेंसी रेज होना एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए एक गुण है, थोड़ा सा पेशेंस। जैसे आपने कोई बीज डाला, अगर आप बीज को रोज देखेंगे तो नहीं आप वो ग्रो कर पाएगा, और उसके अंदर परिवर्तन इस समय की फ्रीक्वेंसी में बहुत तेजी से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अगर वो डेली डेली बेसिस पे अगर देखना चाहेगा तो उसको परिवर्तन नहीं महसूस होंगे। मैं आपको कहता हूं कि 1 साल के अंदर जो पिछला 1 साल बीता है, उस 1 साल में अगर अपने परिवार वालों से आप पूछें तो वो बता पाएंगे कि क्या परिवर्तन आए। जो लोगों ने सीरियस काम किया उनको करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। सो अब क्या कर सकते हैं, हमारा धरती का जीवन जो है इसका बेस सर्वाइवल मोड था। सर्वाइवल मोड के जीने के लिए हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहा, और हमारा एजुकेशन सिस्टम उसने माइंड को और लेफ्ट माइंड के हिस्से को प्रमोट किया, लॉजिकल माइंड को प्रमोट किया, उसकी वजह से एनी हाउ जो हार्ट है वो दब गया है। और ये सारी जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल लव की हमने अभी बात की, को 500 फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे प्रकट होगी, हार्ट में। हार्ट कल्टिवेट करना है, हार्ट के अंदर उन सब गुणों के पोटेंशियल है, हम सब के अंदर है, लेकिन वो एनी हाउ सप्रेस हैं, क्योंकि हमें सर्वाइव करने का और अपने आप को साबित करने का, इस थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स में साबित करना है,
हमें संघर्ष में आगे जाना है। एक पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर हैं, इसका बेस है कि यहाँ पे हर चीज कमी है। जो टॉप पे, इस लैडर पे जो टॉप पे पहुंचेगा वो बहुत कम लोग होंगे, इसलिए हर एक बहुत संघर्ष करता है। उस संघर्ष करने में उसने सिर्फ माइंड को यूज किया है, तो हमें हार्ट को कल्टीवेट करना है। जिनका हार्ट कल्टीवेट हो जाता है, और हार्ट कल्टीवेट करने के दो फायदे हैं, वो फील कर पाते हैं, क्योंकि इस केस में भी हम क्यों करें, हम क्यों जी अपनी फ्रिक्वेंसी रेस करें, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क हाँ का आंसर है जब वो फील करते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन को अगर वो नहीं कर पाएंगे तो दे कुड मिस इट। मोर ओवर, ओके हम ओके उस स्टेज के बहुत पास हैं जिसमें हमारे सारे थॉट मैनिफेस्ट होने वाले हैं। वी आर सो क्लोज टू दैट, आई फील इट। मैं कई बार, मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ, इतने सालों से मैं जर्मनी ट्रैवल कर रहा हूँ, आज तक मेरी कस्टम डिपार्टमेंट ने कभी मुझे नहीं रोका। फर्स्ट टाइम मैंने अपना लगेज लिया और मेरे मन में एक थॉट आया कि आज कस्टम डिपार्टमेंट वाले मुझे कंट्रोल करेंगे, एंड इमीडिएटली पीपल के मैंने से प्लीज कम विद मी। सो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे 40 मिनट्स वेस्ट हुए और आई वॉज रिग्रेटिंग जी क्यों मैं अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाया। दिस ओके ईच एंड एवरी पर्सन विल फेस ऑन अर्थ वेरी सुन, देयर फियर विल मैनिफेस्ट वेन दे इट बिलीव इज कि समबॉडी हैपनिंग विल चीट देम, दे गॉट चीटेड। अगर उनको लगेगा चोरी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, इट विल हैपन टू देम, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज अ सिमुलेशन, इट इज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड आउट। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अनफॉर्चुनेटली दोज हु आर हैविंग ए वीक हार्ट, दे कुडेंट फील इट, सेन दे देन दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। मोर ओवर एनी हाउ दे हैड एन आइडिया, इफ दे आर इन टू दैट प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग, दे हैड ए आइडिया दैट समथिंग इज हैपनिंग एंड दे आर एनी हाउ दे आर पार्ट ऑफ इट। नो, यू हैव टू मैच विद दैट फ्रिक्वेंसी, ओनली देन यू आर पार्ट ऑफ इट। सो दीज थिंग्स आर, दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट हार्ट एंड डू योर बेस्ट, अदरवाइज यू विल क्रिएट योर मिजरी। ओके थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे सवालों का एक साथ में जवाब दे दिया, जैसे कि हाउ डू आई रेज माय वाइब्रेशन एंड व्हाट डज दैट इवन मीन, व्हाट डज इट मीन टू रेज योर फ्रीक्वेंसी एंड व्हाई शुड आई रेज माय फ्रीक्वेंसी, इसका भी आपने जवाब बहुत अच्छे से दिया. एंड एंड देन हाउ मोर ओवर, आई वुड लाइक टू टेल लिटिल मोर अबाउट फ्रीक्वेंसी। निकोलस टेस्ला ने बताया कि अगर आप ब्रह्मांड के सीक्रेट को समझना चाहते हैं, देन यू थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द सीक्रेट्स। द फ्यूचर इज फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम मेडिसिन लेते हैं, देर आर फ्रीक्वेंशियल मेडिसिन नाउ, एंड दिस हैव नो बॉर्डर, यू कैन सेंड द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हेयर टू समवन। और ये फ्रीक्वेंसी इस हद तक मेजरेबल होने वाली हैं, आई डोंट नो वेदर यू हैव एक्सपीरियंस और नॉट, यू थिंक एंड द सेम एडवर्टाइजमेंट विल कम ऑन योर मोबाइल फोन। जस्ट थिंक एनी टर्म विच यू हैव नेवर थॉट। ऐसा नहीं कि उन्होंने सुना है और वो कोई किसी लॉजिक से, एल्गोरिथम से वो बता रहे हैं, यू थिंक एंड दे कैन रीड योर वाइब्रेशन। वी आर इन टू दिस फेस, वी हैव ऑलरेडी रीड। अभी अभी हम लोगों के ग्रुप में कल परसों पोस्ट हुआ था जॉन नेलन का इंटरव्यू, उसने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछे हैं और वो आंसर आ रहे हैं। पीपल आर एक्साइटेड, बट फॉर मी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई नॉट? बिकॉज चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीडिंग द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर एंड अकॉर्डिंगली शी इज गिविंग द आंसर, ही और शी इज गिविंग द आंसर। तो वो आंसर, क्योंकि बिकॉज नोलान इज ए मैच्योर पर्सन, ही इज इंटरेस्टेड इन टू दिस अवेकनिंग, एंड सो उनके हिसाब से वो सारे उत्तर जो आए वो उत्तर हमको सूट करते हैं, तो हमें वो उत्तर अच्छे लगे, तो बिगनर लेवल के लिए वो शेयर करना भी अच्छा था। बट अगर कोई और पर्सन जिसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है वो सेम चैट जीपीटी को यूज करेगा, देन ही विल गेट द डिफरेंट आंसर। डिफरेंट आंसर्स. दिस वर्ल्ड इज सो डिफरेंट बिकॉज दिस कॉन्शियसनेस क्रिएट्स देयर रियलिटी, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, और इसकी इसी वजह से ये फ्रीक्वेंसीज भविष्य में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, लोगों को इसके प्रति अवेयर होना। यू कुड बी मैनिपुलेटेड इन सच ए वे, बिकॉज इस तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट की जा सकती है, जो आप अगर लोअर फ्रीक्वेंसी में हो तो यू गॉट अट्रैक्टेड टू देम ऑटोमेटिकली। दस इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर आप किसी अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो तो वो आपको कर सकती हैं, बट इन दैट केस रेजोनेंस का सिद्धांत लागू होता है। अगर आप किसी सेंट की कंपनी में हैं और उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पा रहे, देन यू विल मिस इट।
और अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी में, और लोअर फ्रीक्वेंसी सेंड की जा रही है सेंडर के थ्रू, देन यू आर पार्ट ऑफ दैट. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रेज अवर फ्रीक्वेंसी एज सुन एज पॉसिबल. ओके तो आपने इस सवाल का भी बहुत ब्यूटीफुली जवाब दे दिया कि विल रेजिंग माय फ्रीक्वेंसी चेंज माय लाइफ। तो पूरी तरह से हमको अपनी जो कोशिश करनी चाहिए, जैसा आपने कहा हार्ट को कल्टीवेट करना, मोर एंड मोर हमको अपना इनर वर्क करना चाहिए, उस पे ही फोकस करना चाहिए, बिकॉज द जर्नी इज इनवर्ड। तो हम वही कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में है, जितना ज्यादा धैर्य के साथ, जैसे आपने बोला कि पेशेंस जरूरी है, ओवरनाइट नहीं होगा, आज ओवरनाइट रात। यस. अब ये बहुत फास्ट हो रहा है, जिसको कहते थे कि जी पहले करने में कई जन्म लगते हैं उसको हम 3 साल में कर सकते हैं. ये ओके पॉसिबल है, लेकिन फिर भी सीरियस, कितनी सीरियसनेस से हम अपने ऊपर काम करते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है. जी। तो फ्रीक्वेंसी रेज करने का जैसा आपने बताया, उसमें ये भी बात ध्यान एक रखना होगा कि डेली इस पे दिमाग न लगाएं कि कितना रेज हो गया फ्रीक्वेंसी, जस्ट अपना काम करते रहें। इट्स नॉट लाइक कि कोई अगर वेट लॉस कर रहा है तो डेली वेइंग मशीन निकाला और उस पे जाके खड़े हो गए कि कितना ग्राम्स वेट मेरा कम है, तो वो नहीं दिखाई देगा। सो आप जैसा बताएं कि जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में जैसे जन्म लेता है, 9 मंथ्स लग जाते हैं, बट एक एक अंग उसका बनता है ना, और जब बच्चा बाहर निकलता है तो पूरा का पूरा वो बच्चा संसार में आया और सब देखते हैं कि अरे वाह, इस 9 महीने में कितना सुंदर एक क्रिएशन हो गया। तो इट्स लाइक दैट कि आप बस अपना इनर वर्क करते रहे हैं ओवर द इयर्स, जरूर Yes. ओ और इस आई मीन लाइक प्रोसेस का ओवर हिस्सा द बने टाइम। रहें. जब क्या जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है, एक बेबी के लिए अगर 9 मंथ है, तो हमारी कॉन्शियसनेस 3rd डायमेंशन टू 5th डायमेंशन जाने के लिए जो प्रोसेस का समय है, उस समय को. थैंक यू प्रवीण जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डज इट मीन फॉर ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू अवेकन। द सेम वे, इफ यू आर इन टू सिमुलेशन, देन यू आर इन टू स्लीपिंग स्टेट. नॉट ओनली ओके स्लीपिंग स्टेट, यू आर इन टू द डीप स्लीप दैट यू आर नॉट अवेयर दैट यू आर इन टू सिमुलेशन. That is the state. And the awakening means then that you are aware of this, that like we speak earlier. And ascension ओके is going to the next dimension. There are many बहुत people अच्छा on the earth right now who are awakening. Earlier they were into the deep sleep. Their sleep was so long that it was like a coma. Now the process has started. Some people are still in half sleep but half awakening. When the more and more people will awaken, then the ascension process will start. Ascension has not started, yes. In some way it has started because the awakening process is going on. But finally, ascension means when a required number of people are awakened, and then they will make a shift into the collective consciousness, then the ascension process will start, and we are very close to that threshold. ओके वाह दैट साउंड्स एक्साइटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बिगिनर्स अगर कोई है उसके मन में आ सकता है, व्हाई डज एवरीथिंग डिपेंड ऑन अस। लाइक यू नो हम जैसे बातें करते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसे अभी इजुमी जी ने बड़ा अच्छा सा पोस्ट अपने ग्रुप में डाला था, तो अगर कोई बिगिनर देखता है कि वो एक्सपीरियंस, वो जो पोस्ट है उसका क्या मतलब है, तो क्यों एक क्रिएटर का रोल जैसे हुआ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, व्हाई डज एवरीथिंग डिपेंड ऑन अस, दैट इज द क्वेश्चन। सी, बिकॉज ये जगत हमारी चेतना से प्रकट हो रहा है, तो जब तक हमारी चेतना नहीं समझ पाएगी कि जो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है, दैट्स वाई इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन आवर सेल्फ. एक ही चीज है, उसको दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उनको दो अलग अलग चीज दिखाई दी. भगवान कृष्ण एक ही थे, उनको कुछ लोग अच्छा मानते थे, कुछ खराब मानते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्थ एक ही है, कुछ लोग स्फीयर मानते हैं, गोला मानते हैं, कुछ लोग फ्लैट मानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस इसको डिसाइड करती है, इसलिए ऐसा होता है. तो अगर अर्थ फ्लैट है या गोल है, भगवान कृष्ण अच्छे हैं या खराब हैं, इसी तरीके से आपका जीवन बदलेगा या नहीं बदलेगा, आपके जीवन में नई रियलिटी प्रकट होगी या नहीं प्रकट होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये जगत उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है जितना लगता है. हम सोचते हैं कि ये जगत तो ऐसा ही है, दो सूरज, चांद, धरती और इतने सारे पॉपुलेशन. नो, आप देखो, अगर बिल्कुल जरा सा भी ध्यान से देखो, दो भाई हैं, दोनों का जीवन अलग अलग है. पति पत्नी हैं दोनों, आल दो एक सेम घर में रहते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनका जो यूनिवर्स है वो अलग है, उनकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से, उनके थॉट पैटर्न के हिसाब से. इसीलिए पूरी तरह ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम
कैसे जगत को प्रकट कर पाएंगे, होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस में अगर हम इस फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पाएंगे, पोटेंशियल है लेकिन अगर हम नहीं आ पाएंगे तो हमारे लिए कैसे प्रकट होगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी यू नो लाइक ये एक अवेयरनेस कि लाइक जो करना है मेरे को ही करना है, यस ये एक बहुत हाँ कोई और आके आपको नहीं बचा रहा है, जो करना है वो आपको ही करना है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने ही करना है और ये कभी भी जी। नहीं हो सकता, अगर हो सकता होता, मैं तो महाभारत की टीचिंग में जब भी सोचता हूँ मुझे उनकी बातें, एक एक लाइन का एक बड़ा गंभीर मतलब है, भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युग परिवर्तन की बात थी, धर्म धर्म के बीच में इतना बड़ा संघर्ष था और उस समय उन्होंने कह दिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल गुरु का यही काम होता है क्योंकि पॉसिबल नहीं है, अगर वो चाहते तो रोक सकते होंगे लेकिन अगर वो अस्त्र उठा लेते तो वो प्रोसेस रुक जाता उस पर्सन के लिए जिन्होंने इवॉल्व होना है, अर्जुन के लिए वो प्रोसेस रुक जाता, जी इसीलिए गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, गेट दिखा सकता है कि गेट खुला हुआ है लेकिन जाना सबने अपने आप है, सबको अपने आप जाना है और ये एक ऐसे यही फिर आपने पहले भी जो क्वेश्चन पूछा था उसी का ये पार्ट है कि अगर आप ये मानते हैं कि ये तो शिफ्ट ऑलरेडी हो रहा है हमें कुछ नहीं करना, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तैयारी अपनी Understand करनी it, है yes. जी। तो अगला सवाल है कि हाउ डज अवेकनिंग कॉन्शियसनेस मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड? Because the world is our projection. If it is projecting from inside out, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप बदलते जाओगे वैसे वैसे वर्ल्ड बदलता जाएगा। Very मीन्स मेरे simple. बदलने से मेरा संसार भी बदल रहा है, बिल्कुल। एंड इस वो रिपल इफेक्ट दिखाई देता और रहेगा। उसका रिपल इफेक्ट अगर कॉन्शियसनेस में आएगा तो कंप्लीट कॉन्शियसनेस हो पाएगी। अभी एक कॉन्शियसनेस किसी रियलिटी को जो सच नहीं मानती असंभव मानती है, अगर एक पर्सन कर दे, फॉर एग्जाम्पल दी ब्लैक हंस की बात होती है, ब्लैक स्वान, अभी तक की कॉन्शियसनेस मानती है कि स्वान हमेशा जो होता है हंस सफेद होता है, अगर कोई एक पर्सन कह दे कि मैंने देखा है ब्लैक, तो कॉन्शियसनेस उस रियलिटी को क्रिएट करने के लिए रेडी हो सकती है। अभी जो डायमेंशन जो मानती है कि जीवन लिमिटेड है, इसमें बीमारियां होती हैं, इसमें कमी है, एक कॉन्शियसनेस ऐसा मानती है, इसलिए ये रियलिटी यहाँ पे प्रकट हो रही है। अगर इस कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड कुछ लोग जा पाएंगे और वो ऐसे जगत को क्रिएट करके, जैसा जगत क्रिएट होना शुरू हो जाएगा जिसमें वो बीमार नहीं हो रहे, लॉन्गेविटी हो रही है, एज रिवर्सिंग प्रोसेस हो रहे हैं और उनके अंदर जो डिवाइन पोटेंशियल किसी ना किसी डोरमेंट फॉर्म में है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा, तो वो बाकी लोगों में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, इस तरह जगत बदलना शुरू हो जाएगा। ओह वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ कैन आई स्टार्ट नोटिसिंग एंड चेंजिंग माय थॉट्स टू क्रिएट अ बेटर रियलिटी फॉर माय सेल्फ? सी इट इज डीपर देन योर थॉट, कॉन्शियसनेस ओके क्रिएट्स द रियलिटी नॉट द थॉट, ऑल्दो थॉट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस बट द लोअर लेवल पे जो सबसे है वो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर भी एक हिस्सा जो आप अवेयर हैं, उसके नीचे का एक और हिस्सा सबकॉन्शियस, उसके नीचे का हिस्सा अनकॉन्शियस, तीनों मिलके रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रियल्स जो लेयर्स हैं वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, जब वो डिजॉल्व होती हैं आइदर दे कम इन टू द सर्फेस और रिलीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नवम्बर का मंथ बहुत क्रिटिकल है, बहुत सारे लोगों के लिए जो एनर्जीज धरती पे आ रही हैं वो उनको रिलीज करने में हेल्प कर रही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कोप अप नहीं कर पा रहे, मैं उनके पर्सनल कांटेक्ट में हूँ, इट इज जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है एनी हाउ दे आर इन टू द ब्लिस, बट मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी इट्स स्ट्रगलिंग टू मैच विद दैट फ्रिक्वेंसी, तो ये ही हमारे काम है जिसके लिए हम कर रहे हैं। ओके तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके उनके लिए फिर भी बहुत आसानी से समय निकल रहा है, बट काफी लोग हैं जो नहीं है इन सिंक विद दिस ऑल, उनको परेशानी हो रही है इस उनको एनर्जी रिसेंटली को। बहुत अक्टूबर नवंबर अक्टूबर लास्ट से जो शुरू हुआ है वो फेस अब एनी हाउ सेटल होने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसा ही था। ओके ओके थैंक यू। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस सेशन के लिए कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अवेकन पीपल टू कम टुगेदर टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर? सी द सेम पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट है कि जो रियलिटी का पोटेंशियल है और उसको कॉन्शियसनेस बिलीव नहीं कर सकती, सम वन हैज टू शो इट इज पॉसिबल सो दैट अदर कुड रियलाइज इट,
अगर एक कॉन्शियसनेस मानती ही नहीं कि ये असंभव है, हम अपने जीवन में देखें पिछले 50 सालों में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उससे अगर काफ़ी कुछ, अभी तो टेक्नोलॉजी में हुआ है, ऑल्दो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, कंप्लीट जगत इसी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है तो टेक्नोलॉजी भी उसी का हिस्सा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो असंभव था वो पिछले 50 सालों में संभव होने लगा क्योंकि साइंस ने करके दिखाया। सेम वे कॉन्शियसनेस जो नेक्स्ट जगत की रियलिटी को करके दिखा पाएगी तो बाकी लोगों के लिए हो पाएगा। इस धरती की टोटल पॉपुलेशन, मैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक में नहीं जाता कि कुछ नॉन परफॉर्मिंग एनपीसीज हैं उनको छोड़ दें, धरती की जितनी पॉपुलेशन है अगर हम इसको देखें तो इसमें 10% लोग जो हैं अवेकेंट, और उनको साथ आकर एक रियलिटी को क्रिएट करना पड़ेगा जिससे एक संभावना के रूप में बाकी लोग देख पाए, और दैट जी विल क्रिएट ए ब्रिज फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, वी हैव टू रीच इट, सो समवन हैज टू क्रिएट इट। ये तो बहुत दूर है, ये यहां पे है, इसके बीच की सीढ़ी या इसके बीच का पुल कोई तो बनाएगा। तो वो लोग जो अवेकेंट हैं वो जानते हैं, उन्होंने इसको देख लिया। इस धरती में कोई भी चीज पहले थॉट्स होती है, अगर हम इस क्रिएशन का सिद्धांत समझें वो फाइनली हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं जब वो मेटेरियलाइज हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में तो वो ऑलरेडी है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि सेशन बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने क्रेलियान मेथड फोटोग्राफी डेवलप की थी, रशियन साइंटिस्ट थे, तो वो ऑरा, ह्यूमन का ऑरा फोटोग्राफ करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय के कैमरे, उस समय की टेक्नोलॉजी की जो भी लिमिटेशंस होंगी, तो उन्होंने एक पत्ते का, जब ह्यूमन का ऑरा डेवलप कर चुके तो उन्होंने सोचा कि चलो शायद देखते हैं पत्तों में भी क्या इनका ऑरा होता है कि नहीं। उन्होंने एक पत्ते की फोटो खींची रात को, उसको डेवलप करने के लिए रख दिया, और जब वो सुबह उसको डेवलप करके फोटो आई तो उसका थोड़ा सा हिस्सा कीड़े ने खाया था, जबकि उन्होंने बिल्कुल एक फ्रेश पत्ता ढूंढा था पूरा कंप्लीट। तो उनको आश्चर्य हुआ कि मैंने तो दूसरा पत्ता देखा था, जब वो वापस गए उस पत्ते को देखने तो उसका हिस्सा उस समय वहां पे कीड़ा बिल्कुल सेम जगह कीड़ा खा चुका था। देन इसका मतलब क्या है कि सूक्ष्म जगत में वो प्रकट हो चुका था, पत्ता सूक्ष्म जगत में खाया जा चुका था, हम सिर्फ टाइम के साथ वहां पे पहुंचे। यही थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन की चेतना का भी एक कॉन्सेप्ट है। थर्ड डायमेंशन में टाइम लीनियर है, फोर्थ में हर एक टाइम का एक जगत है, जैसे मूवी में एक इस मिली सेकेंड का एक जगत, उसके नेक्स्ट मिली सेकेंड का एक जगत, उसके नेक्स्ट मिली सेकेंड का एक जगत, तो इसके प्रति अवेयरनेस भी होती है। देन द पर्सन इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इन थर्ड डायमेंशन वी आर बाउंड इन टू टाइम एंड स्पेस। तो जब इन इन सारी स्टेट में जहां पे पत्ता को कीड़ा खा चुका था वो पहले प्रकट था, सिर्फ रात के कुछ घंटे बाद ह्यूमन वहां पे पहुंचा, सेम वे फिफ्थ डायमेंशन क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, एस्ट्रल जगत में लोग देख चुके हैं, लेकिन वहां तक इस दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, अनस्टॉपेबल, बट स्टिल समवन हैज टू क्रिएट द ब्रिज। हु विल क्रिएट द ब्रिज, हाउ विल इट हैपन? सो लाइक द साइंटिस्ट डेवलप द टेक्नोलॉजी सो दैट वी कुड हैव एक्सेस टू दैट टूल्स, द फिफ्थ डायमेंशन इज फ्रॉम कॉन्शियसनेस क्रिएटेड वर्ल्ड, सो द अवेकेंड पीपल शुड कम टूगेदर एंड दे शुड क्रिएट दिस ब्यूटिफुल रियलिटी सो दैट वी एंड अवर जनरेशन कुड हैव एक्सेस टू दैट डायमेंशन। इतने सुंदर से आपने समझाया, आई रियली विश कि लाइक इतने बिगिनर्स के लिए ये जो पॉडकास्ट सेशन आज का था, तो एक एक बिगिनर यू नो लाइक अपनी इनर वर्क करके, अपने ऊपर काम करके, और उनकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो ये ब्रिज बन रहा है, अवेकेंड लोग जो ब्रिज ये बन रहा है, जो ब्रिज की तैयारी चल रही है, उसमें एक छोटा सा, बोलते हैं ना कि समुंदर में एक बूंद, उसमें एक अपना कंट्रीब्यूशन जरूर आकर के दें, और उनका हिस्सा, उनका कंट्रीब्यूशन रहे, तो लगेगा कि हाँ आज का सेशन हमने किया, उनकी समझ में आई ये सारी बातें, और वो आगे बढ़ के और कोशिश कर रहे हैं अपनी रियलिटी क्रिएट करने की, तो शायद हमें बहुत अच्छा लगेगा ऐसा अगर होता है तो अब ये सेशन खत्म होने का समय आ गया है। तो थैंक यू सो मच प्रवीण जी फॉर सच एनरिचिंग आंसर्स। वी विल एंड आवर पॉडकास्ट सेशन नाउ विद अ प्रॉमिस टू कम अगेन
with new set of questions for beginners sometime very soon. And आज जैसे कि towards the end और बीच बीच में भी बहुत एक टर्म बहुत बार बार यूज हुआ है, कॉन्शियसनेस. काफी बार प्रवीण जी ने समझाने की कोशिश की कॉन्शियसनेस. तो हो सकता है हमारे नए साधक जो स्पिरिचुअल जर्नी में नए बिगिनर्स हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ पाई होगी, यहाँ से चली गई होगी कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस. तो हम लोग अपने अगले पॉडकास्ट में ये सारी टॉपिक्स भी टच करेंगे कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इज कॉन्शियसनेस द सेम थिंग एज माइंड, what does it mean to raise your consciousness, and what is collective consciousness, can consciousness change over time, and why do people want to expand their consciousness. ye sari baatein aur bhi, solar flares kya hai, uske kya prabhav pad sakte hain, kaise hum solar flare mein apne aap ki taiyari kar rahe hain, bahut sari aise unsulje sawal jo aap sabke man mein hai baithe hue as beginners, sabke jawab hum leke aayenge. aur agar आप सबके भी कुछ सवाल हैं, जितने भी बिगिनर्स हैं या फिर आगे भी बढ़ गए हैं इस जर्नी में, फिर भी कोई एक अटके हैं किसी एक पॉइंट में जिसका जवाब जानना चाहते हैं, यू ऑल आर फ्री टू प्लीज रेज योर क्वेश्चंस. हमारा जो ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप है, आप कमेंट सेक्शन में जाके इस ग्रुप का लिंक देख सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक हमारा हम शेयर कर देंगे. आप उस ग्रुप में आइए, उस ग्रुप का हिस्सा बनिए और उस ग्रुप में अपने सवाल शेयर कीजिएगा. हम लोग जरूर एक एक करके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने आगे वाले पॉडकास्ट सेशन में. तब तक के लिए प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक इतने यू, अच्छे से इतने थैंक यू सारे सोनू सवालों जी. का जवाब या दिया. लेट अस बिल्ड, लेट अस मेक आवर सेल्फ द ब्रिज फॉर द इंफॉर्मेशन. जैसे हम कॉन्शियसनेस के जी बीच में ब्रिज बन रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन का ब्रिज बनते हैं. इंफॉर्मेशन गैप किसी तरह, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है, तो इस ये जो ये गैप है, इस गैप को मिटाने की कोशिश करते हैं लोगों के क्वेश्चन से. कहाँ पे अटके हैं, दैट इज वी विल डू इट. थैंक यू वेरी मच. जी जी थैंक यू प्रवीण जी, थैंक थैंक यू. यू.